Today we are going to discuss about anemia, which is a common condition. Globally 1.62 billion people anemia se affect hote hain, which means 24.8% of population. Anemia ki highest prevalence preschool age children mein hoti hai aur lowest prevalence men mein hoti hai. Is video mein hum discuss karenge anemia hota kya hai, anemia ke symptoms kya hote hain, anemia ki types kya hain. एनीमिया को इन्वेस्टिगेट और मैनेज या ट्रीट हम कैसे कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन टिश्यू तक नहीं पहुंच सकती. नॉर्मली हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. इसका मैकेनिज्म ये है कि ऑक्सीजन हमारे नोज और माउथ से लंग्स में जाती है. लंग्स में एल्वियोलाई के थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज होती हैं और ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में ऐड होके टिश्यू तक पहुंच जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को आउटसाइड द बॉडी रिलीज कर दिया जाता है. सो अगर हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाए, मतलब रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो ये मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा. नॉर्मली हीमोग्लोबिन मेल में 12 to 16 grams per deciliter होती है और फीमेल्स में 11.5 to 15.5 होती है. अगर हीमोग्लोबिन लेवल 11 से लेस हो जाएगा तो एनीमिया की इंडिकेशन आएगी. अब हम डिस्कस करते हैं कि एनीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं. एनीमिया कॉजेज वीकनेस, टायर्डनेस, फटीग, पेशेंट की स्किन पेल हो जाएगी और एनीमिक पेशेंट थोड़ा सा भी चलेगा तो उसे ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज लंग से ऑक्सीजन टिश्यू तक एडिक्वेट अमाउंट में नहीं पहुँच पाती. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एनीमिया. एनीमिया के डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया. एनीमिया के इन टाइप्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी है किस वजह से, हम एनीमिया को प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर सकते. अब हम इन टाइप्स को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं. नंबर वन इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन टाइप है एनीमिया की. एक्चुअली होता यह है कि हमारी बॉडी को हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए आयरन रिक्वायर्ड होता है. अगर बॉडी में आयरन ही सफिशिएंट नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन की भी इनफ प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी. सेकंड वन इज विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंट एनीमिया. विटामिन B12 एज अ प्रिकर्सर एक्ट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन बोन मैरो. विटामिन B12 एंटर होता है बोन मैरो में और स्टार्ट कर देता है एरिथ्रोपोइसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. सो अगर बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाएगी. इसे हम मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया भी बोलते हैं. थर्ड टाइप है एप्लास्टिक एनीमिया. एप्लास्टिक एनीमिया में बॉडी की अपनी एबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है. बोन मैरो में प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है या इनसफिशिएंट हो जाती है. नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन. इन तीनों टाइप्स के साइन एंड सिम्टम्स तो सेम होते हैं, लेकिन इन्हें डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस यूज होती हैं. लाइक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के डायग्नोसिस के लिए सीरम आयरन लेवल चेक करते हैं. फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के लिए फॉलिक एसिड लेवल चेक कर सकते हैं. एप्लास्टिक एनीमिया के लिए बोन मैरो एग्जामिनेशन करवाएंगे. ओवरऑल हीमोग्लोबिन लेवल चेक करने के लिए CBC करवाएंगे, दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट. एनीमिया की मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट इसकी टाइप की बेस पे करते हैं. अगर किसी पेशेंट में एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होगा तो उसे आयरन सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं. अगर एनीमिया विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होगा तो उसे विटामिन B12 और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स रिकमेंड करेंगे. और अगर एप्लास्टिक एनीमिया होगा तो एप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट्स रिकमेंड करते हैं. अगर इन सबसे भी एनीमिया ट्रीट नहीं हो रहा तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ जाना पड़ेगा. होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और आप इसी तरह की बेसिक मेडिकल इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें. अल्लाह हाफिज़.